विरुद्ध गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला? 30 जनवरी को यामाहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह उर्फ बबलू और उनके एक स्टाफ मोहम्मद अमीर हसन पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली चलाई थी, जिसमें दोनों जख्मी हुए थे। एक SIT का गठन किया गया SDPO सतर के नेतृत्व में, और इसमें पुलिस निरीक्षक सहरसा सतर, बैजनाथपुर शिविर के ऑफिसर्स और जो जिला सूचना इकाई के हैं। टेक्निकल आधार CCTV फुटेज को जब खंगाला गया तो उसमें कुछ लोगों की जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन चिन्हित किए गए। उनका फोन एनालिसिस और उनके लोकेशन के आधार पर कल सूचना मिली कि तिवारी टोला के पास कुछ लोगों का जो उसमें संदिग्ध इन्वॉल्व थे उनका जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस के द्वारा जब रेड हुई तो वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का सबका आपराधिक इतिहास है, जिसमें मोहम्मद अफरोज, बिक्की चौबे, नीरज, मनीष और मोहम्मद शमशेर। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था और बैजनाथपुर का ही एक कुख्यात अपराधी जो पहले करीब 27 मामलों में जेल जा चुका है, विंदेश्वरी यादव, उसने इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किया, क्योंकि यहाँ पे कोई जमीन का पुराना विवाद था जो कि राजकुमार सिंह के जो छोटे अनुज भाई हैं उनके साथ और यहाँ के ही एक और जो उमेश दहलान है उनके बीच में जमीन का डिस्प्यूट था। और उमेश दहलान और विंदेश्वरी राय के कहने पर 5 लाख रुपए की विक्की चौबे के लड़कों ने सुपारी ली और घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें वो असफल हुए। 9mm की पिस्टल मिली है और इसी से गोली भी चलाई गई है। 2 मैगजीन है, 4 कारतूस मिला है, 6 मोबाइल फोन मिले हैं और साथ में एक चाकू भी मिला है। मेन अभियुक्त अभी नहीं पकड़ा गया? मेन अभियुक्त पकड़ा गया है, बिक्की चौबे ही इसको कराया है। और जिन लोगों ने इन्होंने जो पुलिस को बयान दिया है अब उसकी जांच की जाएगी और भी जो लोग जो बताया जा रहा है कि जिनके द्वारा ये सुपारी दी गई है उस जांच करके फिर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ABP News, आपको रखे आगे।